हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका क्रिएशन एंड फैशन पर। तो चलिए आज हम एक गर्ल्स फ्रॉक की कटिंग करते हैं। और उसके लिए देखिए, हमने कपड़े को यहाँ से डबल फोल्ड कर लिया है। लेंथ हमारी जो है 35 इंच है, इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, आधा इंच ऊपर की तरफ सिलाई के लिए, आधा इंच नीचे की तरफ सिलाई के लिए। तो इस तरह से देखिए, हम इसके लिए तीरा जो है 6 इंच लेंगे, आर्मोल भी 6 इंच लेंगे। और इस तरह की फ्रॉक की जब भी हम कटिंग करते हैं, बिल्कुल ही सिंपल फ्रॉक कटिंग होता है, ए लाइन कुर्ती की तरह। तो इसमें हम कमर तक जो है फिटिंग लेते हैं, उससे आगे इसको बिल्कुल जहाँ तक हमें फ्लेयर जितना रखना है वहाँ तक सीधा निशान लगा लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 6 इंच का तीरा, 6 इंच के आर्मोल, और उससे आगे जो फिटिंग है हमने यहाँ पर 8 इंच, और फिर 6.5 इंच पर कमर का निशान लगाते हुए वहाँ से 7 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए किसी भी तरह के कपड़े की कटिंग करनी हो तो आप फ्रंट पार्ट की कटिंग करके बैक पार्ट को इसी तरह से डबल फोल्ड करके फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर रखें और इसी तरह की कटिंग करें। ये सबसे आसान तरीका होता है। यहाँ पर देखिए, मैंने ऊपर की तरफ से और कमर का निशान लगा लिया है, और 1-1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के लिए। इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें थोड़ा सा इसमें कमर तक का भी निशान लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने सीधा ही जितना मुझे फ्लेयर रखना है यहाँ तक निशान लगा लिया है। और इसके फ्लेयर के लिए देखिए, यहाँ से बिल्कुल कोने से रख के हम इस तरह से निशान लगाएंगे ताकि हमारा फ्लेयर बिल्कुल ही अच्छा आए, क्योंकि अगर हम सीधा ही लेंगे तो वो गोलाई नहीं आ पाएगी इसकी। इस तरह की ये कुर्ती सिलने में बहुत ही आसान होती है। देखिए इस तरह से हम कटिंग करेंगे और इसी को बैक पार्ट के ऊपर रख के कटिंग करके सिलाई करेंगे।